Hello friends, welcome to Gates Measure. In types of operating system, these two types are very important, that is multi-programmed and multitasking or time-sharing operating system. यहाँ पे students जो है काफ़ी बार confused हो जाते हैं कि actual में multi-programmed क्या चीज़ है और multitasking क्या चीज़ है और दोनों के बीच में difference क्या है. तो पहले मैं multi-programmed के बारे में बता रहा हूँ. multi-programmed operating system का जो concept है वो पहले आया, उसमें actual में क्या था कि हम रैम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस को लेके आएंगे. दैट इज़ ओनली द मीनिंग ऑफ द मल्टी प्रोग्राम्ड. जैसा कि मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखा रहा हूँ कि अगर मेरे पास रैम है, रैम डेफिनेटली लिमिटेड साइज की है, उस रैम में हम मल्टीपल प्रोसेसेस को लेके आ रहे हैं. अब इन प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशन कैसे होती है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. मतलब इनको हम शेड्यूल कैसे करते हैं. इन मल्टी प्रोग्राम्ड इट इज़ एक्चुअली जनरली नॉन प्रीएम्प्टिव. नॉन प्रीएम्प्टिव का क्या मतलब है कि अगर P1 को मैंने रैम से निकाल के CPU को दिया तो CPU P1 को पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद P2 या P3 या P4 पे जाएगा. तो इसमें मेरे पास एडवांटेज क्या मिल रही है कि CPU की आइडलनेस जो है वो कम हो रही है. आइडलनेस मतलब कि CPU खाली नहीं बैठेगा. खाली कब बैठता है CPU, अगर P1 को मैं देता हूँ CPU को. कई बार क्या होता है प्रोसेसेस में, एक्चुअल में क्या होता है प्रोसेसेस में, हमारे पास अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होती हैं. उन इंस्ट्रक्शंस में कई बार क्या होता है कि कोई प्रोसेस कहता है कि आई वांट टू एक्सेस सम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन. मतलब मुझे कुछ डिवाइस को एक्सेस करना है या मुझे कुछ पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस करना है. तो वो क्या होता है कि CPU से वो प्रोसेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में चला जाता है. तो उस टाइम पे CPU तो खाली हो जाएगा नहीं, उसी टाइम पे हम किसी और प्रोसेस को CPU को दे देंगे. मतलब हमारे पास पहले ही अबंडेंस नंबर ऑफ प्रोसेसेस अवेलेबल है ताकि जैसे ही CPU से कोई प्रोसेस जाएगा हम किसी दूसरे प्रोसेस को CPU को दे देंगे. लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, दैट इज कि अगर CPU एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा तो उसको पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करेगा. अनलेस और अनटिल अगर वो प्रोसेस खुद बोल देता है कि आई वांट टू गो फॉर सम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, फिर उसको हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए बोल देंगे. मतलब कहने का कि अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से कि क्लास है, क्लास में 10 स्टूडेंट बैठे हैं और हर एक स्टूडेंट के पास 5-5 क्वेश्चंस हैं टू सॉल्व. अब मैं एज ए CPU अगर वहाँ पे खड़ा हूँ तो एक्चुअल में अगर मल्टी प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट देखें तो हमने क्या किया हुआ है, पहले ही क्लास में 10 स्टूडेंट बिठा रखे हैं, हर एक के पास 5-5 क्वेश्चन है. अब मैं स्टूडेंट 1 के पास गया, अब मैं उसके 5 के 5 क्वेश्चन को एग्जीक्यूट करूँगा, उसके बाद मैं दूसरे प्रोसेस पे जाऊँगा. दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. अगर उसके बीच में प्रोसेस खुद बोल रहा है कि आई वॉन्ट टू गो फॉर वॉशरूम और मेरे को पानी पीने जाना है, तो फिर ठीक है चला जा, अब मैं प्रोसेस 2 पे चला जाऊंगा. दैट इज़ ओनली द केस. लेकिन जब तक अगर वो मतलब अगर वो स्टूडेंट कुछ नहीं बोल रहा तो मैं उसके 5 के 5 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं स्टूडेंट 2 के पास जाऊंगा, फिर स्टूडेंट 2 के 5 के 5 क्वेश्चन, फिर स्टूडेंट 3 के पास. दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ मल्टी प्रोग्राम्ड. लेकिन मल्टी टास्किंग क्या है, प्रीएम्प्टिव. प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या है, या इसको हम बोलते हैं टाइम शेयरिंग. टाइम शेयरिंग का मतलब क्या है कि हमने पहले ही डिसाइड कर दिया कि मैं एक प्रोसेस को कुछ टाइम तक एग्जीक्यूट करूंगा, अगर वो उस टाइम के बीच में एग्जीक्यूट हो गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं उसको दोबारा फिर फ्यूचर में शेड्यूल करूंगा. मतलब कहने का कि वही 10 स्टूडेंट वाला एग्जाम्पल लेते हैं, 5-5 क्वेश्चन हैं सबके पास, मैं स्टूडेंट 1 के पास गया, मैंने खुद ही डिसाइड किया हुआ है कि मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा. मतलब मैंने क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 सॉल्व किया, मैं स्टूडेंट 2 के पास चला गया. स्टूडेंट 1 वही है और वो कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन मैं खुद प्रीएम्प्ट हो गया, स्टूडेंट 2 के पास गया, उसका क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 सॉल्व किया, प्रीएम्प्ट होके स्टूडेंट 3 के पास चला गया, उसका क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 सॉल्व किया, स्टूडेंट 4 के पास चला गया. यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि एडवांटेज क्या मिल रही है, आइडलनेस तो ऑब्वियसली यहाँ भी नहीं है क्योंकि CPU के पास हमेशा कोई ना कोई प्रोसेस अवेलेबल होगा टू गेट टू एग्जीक्यूट. तो आइडलनेस तो यहाँ पे बहुत कम हो जाएगी. लेकिन यहाँ पे एक और एडवांटेज क्या मिल रही है, रिस्पॉन्स टाइम. रिस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या है, अगर आप मल्टी प्रोग्राम्ड में देखो तो मैं पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, फिर दूसरे के 5, तीसरे के, मतलब सारे सॉल्व करूंगा, तो यानी 10वें स्टूडेंट की जो टर्न है, 10th स्टूडेंट की वो टर्न जो है वो काफी टाइम बाद आएगी. मतलब उसको रिस्पांस जो है वो मैं काफी टाइम बाद दे रहा हूं. लेकिन टाइम शेयरिंग में मैं पहले स्टूडेंट के 2 क्वेश्चन,
हालांकि उसके पास 5 क्वेश्चन थे, लेकिन मैं सिर्फ 2 ही सॉल्व करूंगा, दूसरे के 2, तीसरे के 2, चौथे के 2, इस तरीके से मेरे 10th स्टूडेंट जो है उसके पास मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, मतलब रिस्पांस जो है वो मैं जल्दी क्रिएट कर रहा हूं। उसके बाद मैं दोबारा फिर स्टूडेंट 1 के पास आऊंगा, क्वेश्चन 3-4, क्वेश्चन 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, फिर दोबारा स्टूडेंट 1 के पास आया, क्वेश्चन 5-6, 5, मतलब जितने भी क्वेश्चन है मैं इस तरीके से सॉल्व कर रहा हूं। तो यानी टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है, सीपीयू P1 प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है कुछ टाइम के लिए, उसके बाद प्रीएम्प्ट होके P2 पे चला जाएगा, फिर P3, फिर P4, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहां पे मेरे पास एडवांटेज क्या मिल रहा है, रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब ये ज्यादा एम्फेसिस किसके ऊपर दे रहा है, रिस्पॉन्स टाइम के ऊपर, लेकिन ये ज्यादा एम्फेसिस किसके ऊपर दे रहा है, आइडल, कि सीपीयू शुड नॉट बी आइडल, मतलब आइडलनेस जो है वो आइडल जो है वो कम से कम रहे सीपीयू, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी टास्किंग और मल्टी शेयरिंग। तो हमारे जो सिस्टम जो हम यूज करते हैं रियल टाइम में, दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज एक्चुअली जो हमारे लैपटॉप में यूज करते हैं वो कौन सा है, मल्टी टास्किंग या टाइम शेयरिंग, जहाँ पे हम कैसे काम करते हैं, अलग अलग एल्गोरिदम यूज होते हैं, जैसे एक एल्गोरिदम है राउंड रॉबिन, जो मैंने आपको वीडियोस उसके ऊपर मिल जाएंगी जहां पे मैंने उसको सॉल्व किया हुआ है राउंड रॉबिन को, कि कैसे वो एग्जीक्यूट करता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस को। तो दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट कि हम कैसे प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, उनका वे क्या है, बट इस वीडियो में हमने सिर्फ इनके बीच में डिफरेंस को देखना था कि एक्चुअल में व्हाट इज मल्टी प्रोग्राम एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द मल्टी टास्किंग। थैंक यू।